हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि वायरल जो हैक निकला है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हमारे यूट्यूब पर, हमारे इंस्टाग्राम पर और भी बहुत सी जगह ट्रेंडिंग में, जो कि वायरल ब्लश हैक, जो कि रेड कलर की लिपस्टिक से, ये जो वायरल जो ब्लश होता है हमारा, वो रेड कलर की लिपस्टिक से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आई डोंट नो इससे किसने निकाला है, पर सब लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ और ये कितना अच्छा वर्क करता भी है या नहीं करता है, कि एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये जो वायरल हैक है ब्लश का, वायरल ब्लश हैक किस तरह से वर्क करता है, और चलिए आगे देख लेते हैं वीडियो। और वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं वॉइस ओवर के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी, मैं जो प्रोडक्ट्स यहाँ यूज़ करूँ वो मैं आपको सब दिखाते जाऊँगी किस तरीके का कौन सा प्रोडक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कितना अच्छा ये वर्क करता है, वायरल ब्लश हैक जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं किस तरह से ये निकल के आता है। आई डोंट नो ये कितना अच्छा मैं कर भी पाती हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, एक एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। राइट गाइस, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है मॉइस्चराइजर जो कि है निविया का, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा निविया का मॉइस्चराइजर बेटर होगा, उसे अच्छी तरह से अपने फेस पर लगा लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक रेड लिपस्टिक जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास रखी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस हैक के लिए मैं कोई भी अपना अच्छा वाला रेड लिपस्टिक में वेस्ट करूँ, क्योंकि ये जो हैक है इसके थ्रू बहुत सारी लिपस्टिक वेस्ट होने वाली है। इसलिए मैंने कोई एक ऐसी लिपस्टिक चूज़ करी जो कि काफ़ी पुरानी हो और ये हैक के लिए चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने चिक्स एरिया पर, चिन पर, फोरहेड पर, नोज़ पर लगा लिया। आई थिंक मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, या फिर ये जिस तरह की कि मेरे पास ये जो लिपस्टिक थी, लिक्विड लिपस्टिक मैंने जो लिया, मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने ले लिया, इसलिए शायद इतना अच्छा नहीं निकल के आया। बट मैं ये बोलूँगी कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा यह है। उसके बाद ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है आइज़ को कवर करने के लिए कंसीलर, जो कि है अपना स्विस ब्यूटी का कंसीलर। उसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक शेड चूज़ कर लिया जिससे कि हाइड हो जाए मेरा कंसीलर आई एरिया। और उसके बाद मैंने लिया है गाइस ब्लू हेवन का फाउंडेशन। फाउंडेशन यहाँ मैं ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा चेहरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेड हो चुका है, जिसके थ्रू मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा रेड लगाए। आप आगे चल के देखेंगे तो इतना फाउंडेशन लगाने के बाद भी मेरा चेहरा फिर भी बहुत ज़्यादा रेड लग रहा था। आप लोग सोचेंगे कि इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की क्या ही ज़रूरत थी, पर मैं क्या करूँ, मुझे लगाना पड़ा। पर शायद मुझे लगता है कि मुझसे ये हैक करने में कहीं गलती हो गई, आई डोंट नो क्या हुआ। बट मैं तो यही बोलूँगी कि बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ये हैक। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा चेहरा पूरा रेड हो चुका है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फाइनली मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, जो कि डार्क शेड में है, जिससे कि थोड़ा मेरा चेहरा अच्छा लगे। तो गाइस फाइनली मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है। लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा इनहेंस मुझे लग रहा है। मैं इस वायरल ब्लश हैक के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, ये जो ब्लश है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो फेयर टोन है उन पर ही सबसे ज़्यादा सूट होगा, जो कि डस्की हैं या मीडियम टोन है उन पर थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बिकॉज़ ये कैमरे में फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन सामने से आप देखेंगे ना एकदम रेडिश रेडिश लग रहा है। आप चाहे तो थोड़ा सा ये ब्लश, जो भी रेड ब्लश आप लेंगे, रेड कलर की लिपस्टिक, आप उसे थोड़ा कम क्वान्टिटी में ले, पर मैं कहना चाहूँगी इतनी मेहनत करने के बाद कौन ब्लश लगाता है, उससे अच्छा हम पूरा मेकअप करने के बाद ही अपना ब्लश लगा ले, वो ज़्यादा बेटर है। बट जो भी है, हैक था, ट्राई किया, बट मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरा पूरा फेस रेड हो गया है, क्योंकि मैंने कितना कम 2 से 3 बार ही मैंने उसे अप्लाई किया था अपने चिक्स पर एंड फोरहेड पर एंड नोज़ एंड चिन एरिया पर, और देखिए पूरा मेरा फेस है जो कि रेड हो चुका है। मैंने इसलिए एकदम डार्क शेड की लिपस्टिक लगाई जिससे कि मेरा फेस थोड़ा ठीक लगे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे वियर्ड लग रहा है। इस कैमरे पर तो भी थोड़ा ठीक है, बट सामने से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, और मीडियम और
जो डस्की स्किन टोन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश के फ़ैन हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लश थोड़ा ज़्यादा लगाने का आदत है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी पहले वो करने के बाद फिर हम अपना मेकअप अप्लाई करें, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोडक्ट वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो उससे अच्छा यही है, ये हैक है, हैक की तरह रहने दीजिए, इसे आम ज़िंदगी में अप्लाई मत करिए। आप कभी भी मेकअप करिए, मेकअप के बाद ही ब्लश लगाइए, चाहे वो जैसा भी ब्लश हो। मेरे लिए तो ज़ीरो वर्क कर रहा है ये बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा चेहरा पूरा रेड हो चुका है राइट नाउ, सामने से तो मैं बहुत ज़्यादा भूतनी लग रही हूँ। तो ठीक है, हैक था, ट्राई किया, देख लिया, करते होंगे, बहुत से लोगों को सूट भी होता रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत से लोगों को सूट नहीं होता रहेगा, बहुत से लोग प्रो होंगे इसको करने के लिए, क्योंकि जिस किसी ने भी निकाला है ऑफकोर्स उन्हें तो अच्छा लगा होगा करने के लिए, उन पर बहुत अच्छे से वर्क किया होगा, बट मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। अगर आप में से किसी ने भी ट्राई किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा, बट मेरी तरफ से मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। मैं ऐसा रेड रेड चेहरा लेकर मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, कहीं पर भी नहीं जा सकती। मेरे लिए वो आफ्टर मेकअप वाला ब्लश ही ठीक है, मैंने जस्ट हैक के थ्रू एंड वीडियो बनाना था उसके थ्रू मैंने इसको क्रिएट किया, बट कैमरे में अच्छा लग रहा है लेकिन सामने से ये बिल्कुल ख़राब लग रहा है। पूरा चेहरा रेडिश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड लग रहा है, आप देख सकते हैं पूरा रेडिश चेहरा मेरा पूरा रेड हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए हैक तो हो गई आज ख़त्म, मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में, अमेजिंग से वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।